तो सबसे पहले हमारे इदारों को चाहिए कि वो इसको कंफर्म करें या डिनाई करें या एक्सेप्ट करें, कोई एक वाजिया पॉलिसी अपनाएं कि आपके पास वो मौजूद है या नहीं मौजूद पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे अगर ये बात वाकई सच निकलती है और वो बंदा वाकई पाकिस्तान के अंदर मौजूद है तो मुझे बताएं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, तो हम इंडिया के साथ ताल्लुकात किस मुंह से बेहतर बनाएंगे, हम उनको क्या कहेंगे कि हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करो, वो कहेंगे कि जी हमारे जहां जो टारगेट किलिंग करता रहा बंदा और उसका नाम तीसरी नंबर पे है मेरे ख्याल जो दुनिया में तीसरे नंबर के ऊपर है, तो आप इसका क्या इमेज दे रहे हैं पाकिस्तान का अगर वो बंदा यहाँ से निकलता है। बराक ओबामा की ये किताब थी वो मैं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने बराक ओबामा ने कहा जब उन्होंने ये एबटाबाद वाला ऑपरेशन वगैरह कर लिया ना, तो वो कहता मैं हेजिटेट कर रहा था उस टाइम पे, हमारा प्रेजिडेंट आसिफ अली जरदारी थे, ठीक है तो मैं कॉल करूंगा तो मैं क्या बात करूंगा कि हमने एक मुल्क में चले गए और जाके वो बताए बगैर ऑपरेशन किया और सब कुछ करके चले गए, तो नेशनल बाउंड्री की खिलाफ वर्जी की, तो आगे से हमारे प्रेसिडेंट फोन उठा के कहते हैं कांग्रेचुलेशन प्रेसिडेंट। आप मुझे खुद हिसाब लगाएं कि जो हमारे मुल्क का प्रेसिडेंट है वो दूसरे प्रेसिडेंट को अपने मुल्क की सरहदों के खिलाफ वर्जी करने पे कांग्रेचुलेशन कह रहा है, तो हम कोई बात करते हैं तो बड़ा दुख होता है, हम जब कहते हैं कि नंबर वन कैसे है जरा हमें भी बताया जाए, जब नंबर वन होने के बावजूद हमें पता ही नहीं चला कि पाकिस्तान में दुनिया का नंबर वन जो उनका वो ऑर्गेनाइजेशन का वो टेररिस्ट वो मौजूद रहा, फिर नंबर थ्री भी खबरों के मुताबिक यहाँ पे मौजूद है, और भी बहुत से नाम है जो हम इस तरीके से, जाहिर बात है जब इवन हाफिज सईद की बात करें तो वो भी पाकिस्तान में मौजूद है, अब पाकिस्तान इवन लाहौर में मौजूद है, जो हमारी डिक्टेटरशिप थी उसके अंदर इस तरह की तंजीमों को बनाया जाता था और प्रॉपर उसके अंदर फंडिंग की जाती थी और उनको लॉन्च किया जाता था। आप जो दावा करते रहे पिछले 40 साल से, तो हम सुन रहे हैं कि नंबर वन एजेंसी, जब एबटाबाद के अंदर ऑपरेशन हो रहा था आपकी नंबर वन एजेंसी किधर थी, अभी अगर वो बंदा इस तरह मौजूद है तो आपकी नंबर वन एजेंसी किधर है, आप कम से कम आए आकर डिनाई करें। ऐसी जब खबरें पाकिस्तान से आएंगी तो आपको क्या लगता है जो नेबर कंट्री है बॉर्डर के उस पार के लोग हैं वो क्या चाहेंगे कि हाँ भाई रिलेशन बेहतर हो जाए, जब उसी दाऊद इब्राहिम ने इंडिया में जो जो काम किए हैं जो जो कारनामे किए हैं जिनके उसकी वजह से कितने लोगों की जाने गई हैं, क्या वही लोग चाहेंगे कि जी भाई ऐसा बंदा पाकिस्तान में मौजूद है तो चलो पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर कर। मैं अब इनको इस बात पर एग्जाम्पल देता हूँ, जिन्होंने हमारे APS के ऊपर हमला किया था, अगर उस हमले के जो प्लानर्स हैं वो मुंबई के अंदर पाए जाते होते हैं बॉम्बे के अंदर, तो क्या आप इस बात नहीं, जो कि ना सिर्फ इंडिया को बल्कि पूरी दुनिया को वांटेड था, वो कराची में हॉस्पिटल में मौजूद है, किसी ने उसे जहर दिया है, इसके ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक पाकिस्तान की यूथ क्या ओपिनियन देती है इस वीडियो में जानेंगे, और बहुत से लोग मुझे ये डिमांड कर रहे थे कि दिलशाद भाई से फिर वीडियो बनाई जाए, और मैं ये समझता हूँ आज का ये जो टॉपिक है इससे दिलशाद भाई से बेहतर कोई बंदा एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब? अल्लाह का करम है। दिलशाद भाई सबसे पहले तो ये आपको कहना चाहूंगा कि जब आपकी पहले वीडियो हमने अपलोड की है बहुत ज्यादा आपको अप्रिशिएट किया गया है, मतलब मेरी उम्मीद और मेरी सोच से ज्यादा लोगों ने आपको मोहब्बत दी है, ठीक है। सेकेंडली टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, आज पूरी दुनिया में ये बात हो रही है जी पहले उसामा बिन लादन था, अब इसके बाद जो ये दाऊद इब्राहिम और पता नहीं कौन कौन से नाम है जो पाकिस्तान में मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उन लोगों को जिन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया उन सबका बहुत शुक्रिया, और दूसरा टॉपिक की तरफ आते हैं तो बात यह है कि अगर तो ये अभी तक कंफर्म न्यूज़ नहीं है, हमारी किसी भी इदारे ने इसको कंफर्म नहीं किया, तो सबसे पहले हमारे इदारों को चाहिए कि वो इसको कंफर्म करें या डिनाई करें या एक्सेप्ट करें, कोई एक वाजिया पॉलिसी अपनाएं कि आपके पास वो मौजूद है या नहीं मौजूद पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे अगर ये बात वाकई सच निकलती है और वो बंदा वाकई पाकिस्तान के अंदर मौजूद है तो मुझे बताएं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, और इस तरह के वाकयात हमारे मुल्क में पहले बहुत दफ़ा हो चुके हैं, जिसमें 2011 का सबसे मशहूर वाकया जिसका पूरी दुनिया को इल्म है कि एबटाबाद के अंदर एक बंदा था उसामा बिन लादिन था उसका नाम, ठीक है, उसको अमेरिका ने आके पकड़ लिया था मार के, उसके बाद वो चले गए, तो उसके बाद हमारी एजेंसीज और हमारे इदारों को कुछ पता ही नहीं था। मैं इधर यहाँ पे ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि तब भी हम यही कहते नजर आते थे कि भाई उसामा बिन लादन पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, और जब वो सारी कार्रवाई की गई वो सारा जो उनको किया गया फिर उसके बाद भी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में या हमारे किसी इदारे ने आगे एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि भाई वो क्यों मौजूद था कैसे मौजूद था, ये बड़ी हैरत वाली बात है। अब 2023 में मैं समझता हूँ लोग खामोश रहने वाले नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ दिलशाद भाई ये देखें मुझे बताएं जब आप कोई बात करते हैं पाकिस्तान को लेके भाई ये चीज़ गलत है पॉलिटिकल सिस्टम नहीं ठीक या फिर करप्शन है, तो बड़े लोग ये कहते हैं यार ये पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है, मैं मुझे कहते हैं पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, लेकिन अब आज ये जो बदनामी हो रही है इसका जिम्मेदार मैं और आप हैं। देखिए जी ये तो 90s का दौर तो चल नहीं रहा कि जो आखिरी बात होगी वो आपकी चलेगी, अब ये सोशल मीडिया का दौर है, अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे कुछ चीज नहीं भी दिखाएंगे तो क्या आप समझ वो तक उनकी रीच नहीं होगी उस बात की, वो बात की रीच हो जाएगी, जैसे कि अब इसरो था लेटेस्ट हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे उसको कहीं भी नहीं दिखाया गया लेकिन पूरी दुनिया में उसको दिखाया गया, सोशल मीडिया में हर इंसान ने देखा, चंद्रयान के हवाले से देखा, ठीक है, इसरो का जो प्रोजेक्ट था उसके बारे में लोगों ने देखा,
अब इसमें भी मैं अपने इदारों से या हमारा जो चीफ एग्जीक्यूटिव जिसको मैं मानता नहीं हूँ, जो हमारा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, उसको चाहिए कि वो कम से कम आके एक स्टेटमेंट दे, आके क्लियर करे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये वाकई खबर सच निकलती है तो आप मुझे बताएं कि अगर आप फिर ग्रे लिस्ट के अंदर, अभी आप ग्रे लिस्ट में आए हैं, अगर वो आपको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं आपका क्या फ्यूचर होगा, आपका क्या ट्रेड, किसके साथ ट्रेड करेंगे? सर हमारा इन बच्चों का क्या फ्यूचर होगा ये सोचने वाली बात है। बड़ा दुख होता है ऐसी खबर से। और मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में कोई भी शख्स जिसने बिला वजह किसी की जान ली है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, उसका बुरे से बुरा अंजाम होना चाहिए। बिल्कुल। अब जो दाऊद इब्राहिम है उसके ऊपर बड़े सीरियस चार्जेस हैं, उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस भी हैं, उसके ऊपर किडनैपिंग के चार्जेस भी हैं, उसके ऊपर वो जो है टारगेट किलिंग के अटैक, सबसे मुंबई अटैक्स जो हुए थे उसके चार्जेस भी हैं। अब मुझे देखें, वो इस सब चीज़ों में वो इन्वॉल्व रहा है वो बंदा, ठीक है, और हमें चाहिए कि हम उसको, अगर हमारे पास वो मौजूद है तो हम उसको उनके हवाले करें। नहीं बल्कि इबरत का निशान बनाए, निशान बनाए, क्योंकि इंसानियत का कातिल है ना वो, उसने इंसानों को, और बॉलीवुड के अंदर भी उसका बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ देखे, ये हमें अब देखे ना, अगर वो बंदा यहाँ से निकलता है तो हम इंडिया के साथ ताल्लुकात किस मुंह से बेहतर बनाएंगे? हम उनको क्या कहेंगे कि हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करो? वो कहेंगे कि जी हमारे जहाँ जो टारगेट किलिंग करता रहा बंदा, और उसका नाम तीसरी नंबर पे है मेरे ख्याल, जो दुनिया में तीसरे नंबर के ऊपर है, तो आप इसका क्या इमेज दे रहे हैं पाकिस्तान का अगर वो बंदा यहाँ से निकलता है? नहीं, कोई बड़ी हैरत वाली बात हमारे अदारों या हमारे पॉलिटिशियंस के लिए शायद नहीं होगी, क्योंकि दुनिया का ये तीसरे नंबर पे मोस्ट वांटेड है, मोस्ट वांटेड पहले नंबर वाला भी यहाँ से पाया गया, तो वो फिर इतनी बड़ी। और मजे की बात बताऊं, बराक ओबामा की ये किताब थी, वो मैं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने, बराक ओबामा ने कहा जब उन्होंने ये एबटाबाद वाला ऑपरेशन वगैरह कर लिया ना, तो वो कहता मैं हेजिटेट कर रहा था उस टाइम पे, हमारा प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी थे, ठीक है, तो मैं कॉल करूंगा तो मैं क्या बात करूंगा कि हमने एक मुल्क में चले गए और जाके वो बताए बगैर ऑपरेशन किया और सब कुछ करके चले गए, तो नेशनल बाउंड्री की खिलाफ वर्जी की, तो आगे से हमारे प्रेसिडेंट फोन उठा के कहते हैं कांग्रेचुलेशन प्रेसिडेंट। आप मुझे खुद हिसाब लगाएं कि जो हमारे मुल्क का प्रेसिडेंट है वो दूसरे प्रेसिडेंट को अपने मुल्क की सरहदों के खिलाफ वर्जी करने पे कांग्रेचुलेशन कह रहा है, तो हम कोई बात करते हैं तो बड़ा दुख होता है। हम जब कहते हैं कि नंबर वन कैसे है, जरा हमें भी बताया जाए, जब नंबर वन होने के बावजूद हमें पता ही नहीं चला कि पाकिस्तान में दुनिया का नंबर वन जो उनका वो ऑर्गेनाइजेशन का वो टेररिस्ट वो मौजूद रहा, फिर नंबर थ्री भी खबरों के मुताबिक यहाँ पे मौजूद है, और भी बहुत से नाम है जो हम इस तरीके से, जाहिर बात है जब इवन हाफिज सईद की बात करें तो वो भी पाकिस्तान में मौजूद है, अब इवन लाहौर में मौजूद है। या तो देखें अपनी क्लियर कट फॉरन पॉलिसी, अपना क्लियर कट स्टांस रखें, ये बोलेंगे भाई नहीं जी हाफिज सईद को हम टेररिस्ट नहीं मानते, इंटरनेशनल लेवल पे आके बोलें और ओपनली उन्हें जो भी वो करता है उसे आजादी के साथ करने दें। इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया को यह बताया जाता है कि हमने जेल में कैद रखा है, ठीक है, पब्लिक को यह बताया जाता है कि ये भाई हमारे जो उनसे बहुत बड़े मुजाहिद हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, क्या ये देखें इससे पब्लिक का भी नुकसान नहीं है, मेरा आपका इन बच्चों का नुकसान नहीं है कि हमें ही कंफ्यूज किया जा रहा है? देखिए सबसे पहले तो क्लियर कट एक आपकी पॉलिसी होनी चाहिए कि आप हाफिज सईद है या दो तीन चार नाम आपके पास जितने भी हैं, जितने भी नाम है, वो नाम लेना नहीं चाहता मैं, उनको आप क्लियर कट करेंगे यार ये टेररिस्ट है, मुजाहिद हैं, हमारे लॉयल बंदे हैं, जो भी है आप उनको क्लियर कट करें, और वही जो फॉरेन पॉलिसी आप वो वाजिया करें लोगों के सामने, ये ऐसा मत करें। देखिए इससे आपका जो इमेज है वो इंटरनेशनल दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और दूसरे नंबर पे देखें, हमारे यहाँ ये जो दो चार तहरीकें बनाएंगी, इसके भी सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि जो हमारी डिक्टेटरशिप थी उसके अंदर इस तरह की तंजीमों को बनाया जाता था और प्रॉपर उसके अंदर फंडिंग की जाती थी और उनको लॉन्च किया जाता था, उनके पोलिटिकल आप उनके दुश्मन होते थे, उनके खिलाफ लॉन्च किया जाता और फिर उसको इनसे संभाले नहीं जा रहे बाद में, अब हवस सईद है वो दूसरे हैं। देखिए सबसे पहले आप देखें, जो भी इंसान दुनिया के अंदर किसी इंसान को नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करता है, किसी भी मजहब से बिलोंग करता है, आपकी उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आप उसके खिलाफ बात करें, कम से कम अपने मुल्क का स्टांस बेहतर करें। दिलशाद भाई मुझे ये बात बताएं, लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में अगर दाऊद इब्राहिम मौजूद है, ठीक है, और ये देखें ये इंडियन एजेंसी तो बहुत देर से ये कहती नजर आ रही है, इवन उन्होंने काफी फोटेजेस भी दिखाई कि भाई ये हमने यहाँ पे देखा वहाँ पे देखा, वो ये बताएं वही अगर ऐसी पर्सनैलिटी को पकड़ के इंडिया के हवाले किया जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि रिलेशन वैसे ही बेहतर हो जाए? मैं तो कहता हूँ कि अगर ये एकदम उठा लिया जाए तो हमारे रिलेशन बहुत बेहतर हो सकते हैं। और दूसरे नंबर पर, ये हमारी नंबर वन एजेंसी नहीं है, नंबर वन एजेंसी है, ठीक है, जिसका कोई असर और रसूख नहीं है हमारे मुल्क के ऊपर। इनका काम सिर्फ और सिर्फ, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, इनका काम सिर्फ और सिर्फ लोगों को ब्लैकमेल करना है, उनकी वीडियोस बनाना है। आप जी दावा करते रहे पिछले 40 साल से, तो हम सुन रहे हैं कि नंबर वन एजेंसी, जब एबटाबाद के अंदर ऑपरेशन हो रहा था आपकी नंबर वन एजेंसी किधर थी? अभी अगर वो बंदा इस तरह मौजूद है तो आपकी नंबर वन एजेंसी किधर है?
आप कम से कम आए आकर डिनाई करें। देखे हमारे पॉलिटिशियन किधर है इस बात से, फिर बड़ी बात हमारी पब्लिक किधर है, हमारी पब्लिक क्यों नहीं बोलती। जी मैं आपसे इस बात से इख्तलाफ रखता हूँ कि देखें हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है उसके अंदर डिफेंस मिनिस्ट्री आती है और डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे हमारी पूरी फौज आती है और सारी एजेंसीज आती हैं। तो ये काम पॉलिटिशियन का जरूर है लेकिन ग्राउंड लेवल पे उन लोगों ने काम करना है और आपको इस बात का पता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कितना ज़्यादा आज़ाद होता है, तो उनका कसूर नहीं है, मैं हमेशा यही कहता हूँ। तो कसूर उन लोगों का है जो इस टाइम पर वो काम कर रहे हैं। तो अगर हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है तो ये हमारे मुल्क की बेहतरी, बेशक इसमें लोग मुझे गद्दार कहें, आपको गद्दार कहें, किसी को कहें, वो कहते भी हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है। और दिलशाद भाई जैसे लोग जब ओपनली बात करते हैं तो बड़ी हिम्मत मिलती है कि यार कोई तो है जो हमारे साथ खड़ा हो रहा है, कोई तो है जो इस चीज़ को समझ रहा है कि यार ये पाकिस्तान को बदनाम नहीं किया जा रहा, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात की जा रही है। आज मैं ये कहता हूँ, लेट्स सपोज मुझे जो सारे लोग जो भी लोग ये कहते हैं कि भाई ये पाकिस्तान का इमेज खराब करता है, ये पाकिस्तान को डिग्रेड करता है, आज मैं उन सबसे सवाल करता हूँ कि आज जो पूरी दुनिया में दाऊद इब्राहिम के बारे में खबर चल रही है इसका जिम्मेदार भी मैं हूँ। क्या मैंने ये खबर चलाई? मतलब मैं इस तरीके से इन चीज़ों को, मतलब ये कहा जाता है कि भाई आप ऐसी चीज़ों पर बात ही ना करें। देखें जब देखें अगर तो हम किसी चीज़ पर बात नहीं करेंगे ना, हम तो बात करते हैं, क्लैरिटी देते हैं आपको कि इसके अंदर क्या होना चाहिए और अपने मुल्क के जो हमारे यहाँ लोग बैठे हैं, इदारों के मालिक बैठे हुए हैं, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक अपना एक पैगाम पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि यार आप इन पर अमल करें। क्योंकि यार देखो हमारी यंग, अब देखें हमारी जो पाकिस्तान की आबादी है वो ज़्यादातर यंग जनरेशन है, ज़्यादा आबादी, तो भाई हमने यंग जनरेशन के लिए कुछ करना है। अगर आप कहीं ना खुदा ना खास अल्लाह ना करे अगर आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं तो हमारे मुल्क के ये जो बच्चे हैं, ये जो हमारा फ्यूचर है, ये हम किधर जाएंगे? अभी ईरान के ऊपर सेंक्शंस लगी हुई है ना, तो उनका क्या हाल हुआ हुआ है? ठीक है, वो चाह के भी, हालांकि उनके पास तेल के जितने ज़खायर हैं इतने शायद मिडिल ईस्ट के पास भी नहीं है, लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे, वो बेचारों को ब्लैक में तेल बेचना पड़ता है, जो भी उनके मसाइल होते हैं। तो अगर हमारे ऊपर ये मामला लग जाते हैं, यार पहले हमारी इकॉनमी कहाँ पे खड़ी हुई है, पहले हमें तनख्वाही देने के लिए लोन लेना पड़ता है, IMF की ट्रेंच लेने के लिए हमें मिनते मारनी पड़ती हैं, और अगर हम ब्लैक लिस्ट के अंदर चले गए तो ना तो हमें चाइना ने पकड़ना है और ना हमें किसी और मुल्क ने पकड़ना है। ठीक हो गया, ऑलरेडी नहीं पकड़े चाइना के अलावा कोई ऐसे कंट्रीज नहीं, या कभी UAE या सऊदी वगैरह थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं। दिलशाद भाई इसी टाइम पे हफ्ता पहले एक अटैक हुआ हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर, सिक्योरिटी के इदारों के ऊपर 23 से ज्यादा लोगों की, मतलब जवानों की जाने गई। फिर US के विजिट पे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद हैं, पहले भी जब उसामा की अगर बात करें तो वो भी US की तरफ से ये सारा मिशन किया गया, मिशन उसामा और सब कुछ। क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं लिंक मिल रहा है, कहीं US की तरफ से ये ऑर्डर आया कि भाई ये इसे उड़ा दो? देखें पहले नंबर पे तो मैं इस बात से इख्तलाफ करता हूँ कि अगर US आप जा रहे हैं तो आपके आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का क्या काम है कि वो उस विजिट पे जा रहे हैं? सबसे पहले तो आपके फॉरेन मिनिस्टर को जाना चाहिए या आपके पॉलिटिकल लीडर को जाना चाहिए, उसका काम सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी संभालना है, जहाँ तक उसको रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात, अगर वो वाकई US गए, और दूसरा देखें जो US है ना उसने जहाँ पे किसी मामले के अंदर लुचफराई करनी होती है ना तो वो आ जाता है, और जब उसका मुफाद निकल जाता है वो कहता है कि मुल्क का अंदरूनी मामला है। पहले आपने थोड़े आपने जूते खा लिए हैं जब हमने अफगान वार के अंदर जाके शिरकत की है, 70,000 से ज़्यादा लोगों ने जाने दी, 80,000 के करीब अफगानिस्तान के, और अब तालिबान को अफगानिस्तानों को वखरा अपना, अफगानियों को अपना दुश्मन बनाया और उसमें से हमने निकाला गया है, कुछ भी नहीं निकाला। उसके बाद रशिया वार के अंदर आप क्यों घुसे? आप अपने मामला पहले संभाल लें उसके बाद आप किसी मामले की तरफ जाएं, पहले आप अपने सिक्योरिटी के अंदर के मामले। अब देखिए 20 जवान जो हैं वो चले गए दुनिया से, तो मुझे बताएं अब उसका जिम्मेदार कौन है? हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, जो हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं, तो उसका जिम्मेदार भी हम है ना, क्योंकि हम ये खबर चलाते हैं, हमें ये खबर ही नहीं चलानी चाहिए ताकि फिर मामला खत्म ये हो तो फिर सबसे बेस्ट हो गया कि आप कोई खबर चलाओ ही ना और कौन सा ठीक चल रहा है। देखिए अब वो पहले हमारे यहाँ, अब देखिए लोग आप बोलते हैं लोगों में शऊर आ गया, उसकी एक सबसे बड़ी रीजन ये है कि 90s के अंदर या 2000 के अंदर इस तरह होता था कि आखिरी बात उन लोगों की चलती थी, उन लोगों सोशल मीडिया नहीं था इतना, हाँ मेन स्ट्रीम मीडिया एक चैनल होता था, जो उन्होंने खबर दे दी वही आवाम ने पिक कर ली। अब वो दौर चला गया है, अब आप लोगों को जितना मर्जी अंधेरे में रखें लोगों को इन बातों का पता चल जाना है, तो इसलिए अभी आपके लिए बेहतर ये है कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी वाजा करें। अगर वो बंदा आपके पास मौजूद है तो आप उसको इंडिया के हवाले करके एक अच्छा जेस्चर दें यार। इंडिया के हवाले नहीं करना जी, वो तो हमारे आप उसको इंटरनेशनल लोगों के हवाले कर दें ताकि जो आपका एक इमेज है वो अच्छा रहे, आपको लोगों को हमारे इंटरनेशनल जो मुल्क है उनको इस बात पर यकीन आ जाए कि अगर इनके मुल्क के अंदर कोई टेररिस्ट या कोई इस तरह का मामला होता है FBI या जो भी इंटरनेशनल अदारे उनके हवाले करते हैं। और दिलशाद भाई ये चीज आपने बोला कि 90s में ऐसा होता था कि आखिरी बात उनकी या जिनकी भी होती थी, अब ऐसा दौर नहीं रहा। आपको पता है कल से लेके अब तक अभी भी कई जो सा YouTube की अगर बात करें, कई जगहों पे पाकिस्तान में YouTube को ब्लॉक किया गया है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, इवन ये भी मैं बताता चलूं कि कोई ऐसे चैनल्स या कोई ऐसे अकाउंट्स हैं जिन्हें रोका गया है, ब्लॉक किया गया है। क्या समझते हैं आज के दौर में ये पॉसिबल है कि किसी बात को छुपाया जा सके?
एक तो इस बात को छुपाया नहीं जा सकता, और दूसरा ये कि इन्होंने चैनल इसलिए ब्लॉक किए हुए थे कि कल हमारे इधर जो लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो लीडिंग जिसको इमरान खान लीड कर रहे हैं, उनका कल एक वर्चुअल जलसा था। अच्छा जी, मैं अब अपने ऑडियंस को ये बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये हाल है कि एक पोलिटिकल पार्टी, वो कोई दहशतगर्दों की जमात नहीं है या कोई कलदम जमात नहीं है, उसने एक जलसा करना था, उसको जलसा करने की इजाज़त नहीं देगी और उन्होंने वर्चुअल जलसा रखा, और वर्चुअल जलसा को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया कि उसके ऊपर हमारे यहाँ कल सारा दिन इंटरनेट भी डाउन रहा है और उसके बाद उन्होंने चैनल्स भी ब्लॉक किए। अब मुझे बताएं, क्या आप उनकी आवाज़ रोक लेंगे, मेरी आवाज़ रोक लेंगे, किसी शुएब भाई या दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, आजकल के दौर में आप किसी की आवाज़ नहीं रोक सकते। आप लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रखना है, तो इसमें बेहतर आपके लिए यही है कि आप क्लियर कट फॉरन पॉलिसी अपनाएं और हर इदारा अपना काम करे जो उसकी आईनी हदूद है। हमारे यहाँ बहुत बताया जाता है कि हमारे इंटेलिजेंस इदारे जी, हमारे इदारे। मैं आज 75 साल हो गए हैं, कोई बंदा मुझे गिनवा सकता है कि हमारे इस इदारे ने इतना बड़ा कारनामा किया सिवाय पॉलिटिकल लीडर्स ने? नहीं, वो कहते हैं 65 की वार और ये चीज़ें, 65 की वार। अब मैं कारगिल पे खोलना नहीं चाहता, कारगिल के ऊपर चार लोगों ने मिलकर जंग का प्लान किया और हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव जो हमारा प्राइम मिनिस्टर उस टाइम नवाज शरीफ था, उसको पता ही नहीं था, रात को वो प्राइम मिनिस्टर था, सुबह उसे तैयार हाईजैकर बना दिया था। ठीक है, ये कारगिल के अंदर, अब ये कारगिल वाला मसला आ गया, 1971 वाला देख लें, 1965 वाला देख लें, आपने जंग हमारे ऊपर मुसलत की है। पाकिस्तानी कौम जो पढ़ी लिखी वाम है, वो कभी भी जंग नहीं चाहती, ये सिर्फ इदारों के चंद लोग होते हैं जो हमारे ऊपर जंग मुसलत करते हैं। हम इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं। आपने बिल्कुल ये बात इन्होंने ठीक है, जो पढ़ी लिखी पब्लिक है वो जंग नहीं चाहती, अदरवाइज आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी जिसमें मैं थोड़ा कॉमन पब्लिक में गया जो इतने एजुकेटेड नहीं थे, उधर जाके लोगों से पूछा कश्मीर के लिए क्या करेंगे, उन्होंने कहा 300 छोड़ के 500 क्या 1000 जंग भी करेंगे, जज्बा बहुत है, ये चीजें हैं। ये दरअसल उनका भी मैं समझता हूँ कसूर नहीं है, ये कसूर है हमारे मीडिया का जो चीजों को दिखाता नहीं, रियलिटी को क्लियर नहीं करता, हिस्ट्री के बारे में बताता नहीं है, ये नहीं बताता कि पहले जो 3 दफा हमने कारनामे किए हैं उनका हमें कितना फायदा या कितना नुकसान हुआ, ये सारी चीजें हैं। दिलशाद भाई, ऐसी जब खबरें पाकिस्तान से आएंगी तो आपको क्या लगता है जो नेबर कंट्री है बॉर्डर के उस पार के लोग हैं वो क्या चाहेंगे कि हाँ भाई रिलेशन बेहतर हो जाए, जब उसी दाऊद इब्राहिम ने इंडिया में जो जो काम किए हैं, जो जो कारनामे किए हैं, जिनके उसकी वजह से कितने लोगों की जाने गई हैं, क्या वही लोग चाहेंगे कि जी भाई ऐसा बंदा पाकिस्तान में मौजूद है तो चलो पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर कर। मैं अब इनको इस बात पे एग्जांपल देता हूं, जिन्होंने हमारे एपीएस के ऊपर हमला किया था, अगर उस हमले के जो प्लानर्स हैं वो मुंबई के अंदर पाए जाते होते, बॉम्बे के अंदर, तो क्या आप इस बात को बर्दाश्त कर लेते? ओहो, हमने तो इंटरनेशनल मीडिया पे कोई, हम इस बात को बर्दाश्त कर लेते? उन्होंने हमारे बच्चों को आगे शहीद किया, छोटे छोटे बच्चे स्कूल के थे, तो क्या अब वो एक इंडियन, किसी का भाई उसी ने टारगेट किलिंग में मरा होगा, किसी का बेटा मरा होगा, किसी का शौहर मरा होगा, तो जब उन लोगों को इस बात का पता चलेगा कि पाकिस्तानी जो कौम है, पाकिस्तानी कौम की तो बात नहीं करता, पाकिस्तान के जो इदारे हैं उस बंदे को तहफ्फुज दे रहे हैं और उसका हुक्मरान जो है उसको तहफ्फुज दे रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि आपका अच्छा इमेज जाएगा, आप किस मुंह के साथ ताल्लुकात बेहतर बने? कुछ पहले आप स्टेटमेंट देते हैं हम 300 जंगे करेंगे, फिर आप स्टेटमेंट देते हैं कि जी हमने एटमी पावर इसलिए बने हैं कि वो उसका मुंह मुकाबला कर सकें, फिर हम कहते हैं कि हमने 3 जंगे लड़ी हैं, फिर आप दाऊद इब्राहिम को लेकर बैठते हैं, फिर आप कहते हैं जी हमने अच्छे रिलेशन कर रहे हैं। हाँ, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हम जाके यही कहते हैं कि भाई हम तो नेबर के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं लेकिन वो लोग हमारे साथ रिलेशन नहीं चाहते। यकीन मानिए, ऐसी न्यूज ऐसी खबर कवर करने को मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता, अंदर से मुझे फील होता है कि यार इसमें मतलब बहुत ज्यादा इमेज एक तो खराब होगा, दूसरे नंबर पे देखने वाले क्या सोचेंगे कि भाई इस पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर करना है। लेकिन ये मेरी एज ए यूट्यूबर, एज ए जर्नलिस्ट या एज ए सोशल एक्टिविस्ट जिम्मेदारी है कि जो भी सच है कम अज कम मैं वो पब्लिक तक लेके आऊँ या जो खबर है उसके ऊपर पब्लिक का रिएक्शन जरूर लूँ। दिलशाद भाई क्या कहेंगे, ये जो सोच है, हमारा जो माइंड सेट है, सबसे पहले तो ये बदलना बहुत जरूरी है पब्लिक का, यूथ का। हम हमेशा ये आप कह देते हैं जी अदारे अदारे, मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ। सर पब्लिक का कोई कसूर नहीं, ये जो अवाम है खामोश रहती है इसका कोई कसूर नहीं, हमारे हुक्मरानों का कोई कसूर नहीं। अच्छा जी, मुझे देखें कि इस टाइम पे अगर आप इदारों की बात करते हैं, मैं इदारों के खिलाफ क्यों, सबसे पहले तो हमारे कायदे आजम ने जो एक थ्योरी दे के गए थे, वो ये दे के गए थे कि हर बंदा, हर इदारा, हर पॉलिटिशियन अपने आईनी हदूद में रह के काम करेगा, तो पहले नंबर पे तो आईनी हदूद जो भी बंदा तोड़ेगा वो कोई भी इदारा है तो मैं उसके खिलाफ बोलूंगा और हम एक जो है वो पैसिव रेजिस्टेंस जरूर करेंगे। ठीक है, लीगल वे में, लीगल वे के अंदर जो एक पैसिव रेजिस्टेंस होती है, एक्टिव रेजिस्टेंस के हम कायल नहीं है और ना हम कभी करेंगे। ठीक है, तो वो हम करते रहेंगे। और दूसरे नंबर पे पब्लिक की बात, अब पब्लिक का मसला ये कि पब्लिक हमारा चैनल्स जो देखते हैं, हमारे न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, वो कौन से न्यूज़ चैनल देखते हैं और उनके ऊपर मुझे ये बताएं कि कौन सी खबरें चलते हैं और पैमरा को कंट्रोल कौन कर रहा है। पैमरा हमारा एक इदारा है जी, जो कि हमारे न्यूज़ चैनल को
उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और हमारे आपको पता है कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर को कौन कंट्रोल करता है, पैमरा तो चीज ही कोई नहीं है। हमारे यहाँ तो ये भी पता चल जाता है कि साल बाद इलेक्शन किसने जीतना है, तो हमारे यहाँ यही, तो हमारे यहाँ जो मेन जड़ है फसाद की वो यही चीजें हैं। और जब ये, जब तक ये अपने आईनी दूध के अंदर नहीं जाएंगे, अब ये, अब देखें हमारे इस टाइम पे लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी इस टाइम पीटीआई है, पूरी दुनिया को पता है। अब मुझे बताएं कि हम उनको कितने लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं कि वो आके इलेक्शन में कंटेस्ट करें। ओपिनियन हर एक की अपनी अपनी है, पार्टी जिसको भी कोई सपोर्ट कर दी नहीं, मेरी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमदर्दी नहीं है। मैं हमेशा डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाला बंदा हूं, डेमोक्रेटिक बंदा हूं मैं। तो देखे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर उसकी ग्राउंड में अच्छी पकड़ है तो आप उसको क्यों नहीं पावर में आने दे रहे, क्यों नहीं पावर में आने दे रहे? आप उसको, उसके लीडर्स को बंद किया हुआ, सबको बंद कर दिया। आप पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को भी कैद कर लेंगे ना, तो सर आवाम के दिमाग के अंदर जो पॉइंट ऑफ व्यू चले गए हैं ना, वो कभी निकाल नहीं सकते। दुनिया के अंदर सबसे मजबूत चीज होती है आइडियोलॉजी, नजरिया कभी नहीं मरता, ये आप हमेशा ज़हन में रखिएगा। आप चाहे 10 लाख लोगों को कत्ल कर दें, जो इंसानों ने अपने अंदर नजरिया एक आइडियोलॉजी बना ली है ना, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो आप जितना मर्जी प्रेशर डालें, जितना मर्जी लोगों को उठा के ले जाएं, वो आइडियोलॉजी आप ख़त्म नहीं कर सकते। और बेहतर यही है, देखिए हमने 75 साल से हम सफ़र कर रहे हैं, 76 साल से, तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, देखिए आप हमारे बड़े हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार प्लीज़ आप अपने हदूद के अंदर रह के काम करें। दिलशाद भाई, इधर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, आपने पीटीआई की बात की, इमरान खान की पार्टी की बात की, कि भाई उन्होंने पब्लिक में काफ़ी चीज़ें जो वो क्लियर कर दी, पब्लिक में एक माइंड सेट, एक विजन जो दिया, एक आइडियोलॉजी दी, ये चीज कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कुछ अवेयरनेस आई, पता चला कि भाई कौन पाकिस्तान को चला रहा है, किसकी वजह से पाकिस्तान आज इस पोजीशन में है। लेकिन ये आइडियोलॉजी क्या पाकिस्तान की चेंज, पाकिस्तान के लोगों की चेंज हो सकती है कि इंडिया दुश्मन है? पीटीआई के लोग भी यही समझते हैं, नॉन लीग के लोग भी यही समझते हैं, या कोई भी पार्टी हो, वो मोस्टली लोग एजुकेटेड कुछ हैं जो ये कहते हैं कि नहीं रिलेशन बेहतर होना चाहिए, ये आइडियोलॉजी कोई ला सकता है पाकिस्तान में? मैं तो समझता हूँ आप जैसा कोई ला सकता है, हम तो कोशिश, ये आइडियोलॉजी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ला रहे हैं। नवाज शरीफ का पिछले दिनों बयान आया, उन्होंने कहा कि वाजपेयी साहब हमारे दौर में आए, मोदी साहब हमारे दौर में आए। देखें वो एक पॉलिटिकल लीडर है, उनको पता है, जो एक पॉलिटिकल लीडर होता है ना उसकी एक विजन होती है। एक जो डिक्टेटर होता है ना, जो एक फौजी होता है जिसने आके पावर में आके हुकूमत करनी होती है, वो पॉलिटिकल, वो असल में उसको पॉलिटिकल विजन नहीं होता उसका, उसने आके रूल करना होता है, रूल करके जाना होता है। तो उन्होंने हमें अच्छी स्टेटमेंट दी, उसके बाद बेनजीर भुट्टो ने अच्छे ताल्लुकात करने की कोशिश नहीं की, आप मुझे बताएं कि उसके बाद आप पीछे चले जाएं, उसके बाद इमरान खान ने भी अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश, इमरान खान साहब ने कौन से अच्छे ताल्लुकात बनाने, मुझे थोड़ा बताइएगा कि इमरान खान ने ट्रेड बंद कर दी, इमरान खान साहब तो स्टेज पे खड़े होकर कहते थे कि ओए मोदी सुन लो, मतलब इस तरीके से जब स्टेटमेंट जाती है, अच्छा। इससे हमारी पब्लिक तो खुश हो जाती है, लो जी लो दलेर लीडर मिल गया, लो जी लो जबरदस्त लीडर मिल गया, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे क्या, मतलब आपको नहीं लगता कि थोड़ा इमेज, इमरान खान की जो स्टेटमेंट है मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, जो उन्होंने इंडिया के खिलाफ इस तरह की स्टेटमेंट दी है, ओवरऑल मैं उनकी इस स्टेटमेंट को जरूर सपोर्ट करता हूँ, जो उन्होंने एक डेमोक्रेसी की एक न्यू डेफिनेशन दी है हमें, वो उस बात को हम सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए अगर हम किसी बंदे की, मैं ऑडियंस को ये क्लियर कर दूं, अगर मैं किसी बंदे का नाम लेकर उसकी सपोर्ट करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं उसकी 100% बातों को सपोर्ट कर रहा हूं, उसकी कुछ बातें होती हैं जिससे हम इख्तलाफ भी रखते हैं, जिससे जैसे इमरान खान की ये बात से हम इख्तलाफ रखते हैं कि अगर उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी है उन्होंने, और मैं इस बात को कंडेम करता हूं। ठीक हो गया। और इधर एक चीज मैं भी क्लियर करता चलूं, मैं ये ओपनली, मेरे बहुत ज्यादा देखने वाले, मोस्टली देखने वाले इंडिया से, लेकिन मैं इतनी हिम्मत रखता हूं कि अगर यही दाऊद इब्राहिम इंडिया में इस तरीके से पाया जाता तो मैं जरूर बात करता कि भाई इंडिया में ये चीजें हो रही, लेकिन जिन लोगों को गुस्सा आता है हमारे पे, शिकवा है हमारे पे कि पाकिस्तान के ऊपर आप ऐसी वीडियो क्यों बनाते हो, तो मुझे बताएं क्या ऐसे लोग इंडिया में पाए जाते हैं? क्या इंटरनेशनल टेररिस्ट, कोई एक दो नाम ही हमें बता दें कि भाई ये इसके बारे में खबर है कि ये इंडिया में मौजूद है, इसके बारे में? हमारे इधर तो नंबर 1 भी यहां से पाया गया, नंबर 3 भी यहां से पाया गया, नंबर 2 भी शायद यहीं पे होगा, और बहुत से नाम है जो इस टाइम हम ले नहीं सकते, जो कि यहां पे हमें गारंटी, मतलब लोग कहते हैं कि यहां पे मौजूद है, क्या कहेंगे भाई इसके ऊपर? लेट्स सपोज इंडिया से यह खबर आती तो क्या आप ना बोलते? देखिए जी, अगर इंडिया से यह खबर आती कि हमारे, जैसे मैंने एपीएस वाली मिसाल दी है, कोई ऐसा खास तौर पे कोई ऐसा टेररिस्ट जो पाकिस्तान को वांटेड हो, वो वहां पे हो, वो वहां पे हो, तो हमें जाहिर है दुख होगा, और पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो भी उसको इंटरनेशनल मीडिया पे उछालेगी कि भाई ये मामला हुआ है, हमें इसको वापस करो। तो इस तरह इंडियंस का भी हक बनता है कि अगर दाऊद इब्राहिम हमारे पास है तो उनका बोलने का हक बनता है, और जिन लोगों और जिन फैमिलीज का उन्होंने नुकसान किया, हम सब उनके साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं और उनके नुकसान के अंदर उनके साथ हैं। और दूसरा ये कि हम उन लोगों से, ये अभी हमारे इदारों से या हमारे जो भी एक पॉलिसी मेकर्स हैं उनसे हमसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपके पास मौजूद है तो आप उसको इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर लाएं और उसको एक्सपोज करें, ताकि आप एक अच्छा मैसेज दें यार। अगर नहीं है तो आगे हमें क्लियर कर दें, करें आप आके डिनाई करें, आप कहें जी हमारे पास नहीं है, और अगर आप किसी ने इन्वेस्टिगेशन करनी है तो बिस्मिल्लाह करें, आए इन्वेस्टिगेशन कर लें आप,
ये इस मसले का प्रॉपर हल है। और क्या ऐसा पॉसिबल है कि अभी जो जितने ज्यादा ये वीडियो इस टाइम मतलब ये है कि न्यूज वायरल है कि हमारे इदारों को या हमारे न्यूज एजेंसीज को पता ना हो कि यार इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए, क्यों नहीं हम बात? यार खबर तो ये है कि अगर विद इन द कंट्री इतना मोस्ट वांटेड बंदा है और हमारी एजेंसीज को नहीं पता तो खबर तो फिर ये है, ठीक है, खबर तो फिर ये बनी ना कि हमारे इतना मोस्ट वांटेड बंदा और कराची हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसके अंदर वो मौजूद है और हमारी एजेंसी को नहीं पता, तो मैं और आप एजेंसी क्यों टैक्स के पैसे दे रहे हैं कि वो तनख्वाही ले रहे हैं? वजह लास्ट में मैं यही कहूंगा कि भाई देखें पाकिस्तान के जो खास तौर पे मीडिया की बात करता हूँ, खास तौर पे पॉलिटिशियंस की मैं बात करता हूँ कि भाई आपको आगे कम से कम एक क्लियर कट स्टेटमेंट देनी चाहिए कि भाई दाऊद इब्राहिम यहाँ पे मौजूद है या दाऊद इब्राहिम यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर आप स्टेटमेंट तक नहीं दे रहे, झूठी दे दें सच्ची दे दें, अगर आप स्टेटमेंट तक नहीं दे रहे तो कहीं ना कहीं माइंड में बात आती है ये कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। दिलशाद भाई अच्छा लगा आपसे बात करके, मैं हमेशा की तरह फिर से यही कहूंगा कि और देखने आपको बहुत कहते हैं कि क्या आपको डर नहीं लगता है ऐसी बात करते हुए जितना आप ओपनली बात करते हैं? नो डाउट लॉजिक के साथ बात करते हैं, फैक्ट के साथ बात करते हैं, लेकिन फिर भी देखिए जी हमें अपने लिए तो डर नहीं लगता, लेकिन जाहिर है हमारी फैमिलीज होती हैं उनके लिए तो डर लगता है, क्योंकि यार हमारे यहाँ तो यहाँ पे लोगों को उठा लिया जाता है बड़ी माजरत के साथ, चाहे लोगों को बुरा लगे उस बात का कि लोगों को उठा लिया जाता है, ना बुजुर्गों का ख्याल रखा जाता है ना बच्चों का ख्याल रखा जाता है। मेरी फैमिली भी मुझे मना करती है कि आप इतनी बोल्ड रिव्यूज़ ना दिया करो, क्योंकि जाहिर है अपने लिए तो इंसान नहीं डरता ना, फैमिली के साथ फैमिली होती है, फैमिली होती है, आपके लव्ड वंस होते हैं जिनकी वजह से आप घबराते हो। बाकी मैं ये रिव्यूज हमेशा पेश करता रहूं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और डेमोक्रेसी के लिए। जबरदस्त हो गया जी, आपको दिलशाद भाई की बातें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। एक सेकंड, जी जी, डेमोक्रेसी जिंदाबाद, डिक्टेटरशिप मुर्दाबाद और हम इसके लिए स्ट्रगल करते रहेंगे। और आने वाले टाइम में दिलशाद भाई हम एक ऐसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले हैं यूथ को इकट्ठा करके कि भाई हम जाएं लोगों में अवेयरनेस पैदा करें कि यार